सागर जिले की केसली में पदस्थ एपीओ प्रशांत लोधी ने खेती का अनूठा तरीका खोज निकाला है। उन्होंने अपने गृह ग्राम चिनकी उमरिया में लगभग 3 एकड़ भूमि में आधुनिक प्रक्रिया अपनाई है, जहां उन्होंने जैविक कृषि कर चने की फसल उगाई है। प्रशांत लोधी ने बताया है कि जैविक कृषि कार्य से काफी फायदा हुआ है, फसल में सभी कीटों पर नियंत्रण किया गया है। फसल RBD 202 फसल किसान ट्रेडर्स केसली ब्रजेश सिंह राजपूत द्वारा सलाह दी गई थी कि आप जैविक, हमने कहा हम जैविक खेती करना चाहते, तो उनने बताया कि आप जैविक खेती कर सकते, हमने कहा हाँ, तो उनने बीज दिया हमको। और जो जैविक में प्रयोग आते खाद, जैसे लाटो, पहले हमने खेती मतलब उसकी बखन्नी की, रोटर वेटर चलाया, फिर लाटो फेंकवाया। किसान मित्रों को हम ये सलाह देना चाह रहे हैं कि जैविक खेती की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें, और कीटनाशक एक शरीर मतलब शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, अन्य बीमारियां होती हैं अत्यधिक कीटनाशक। और बुलेटिन में इतना ही, साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।